अगर आप कॉल करके मुझसे पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है कितने पैसे लगेंगे, बहुत जायज सवाल है और मेरे ख्याल में पब्लिक का यही सवाल सबसे कॉमन है। सबसे पहले तो मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट करना है कि नहीं करना। दूसरी बात मुझे ये समझानी पड़ती है कि अगर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना तो फिर कौन सा इलाज करना है, और उस इलाज के भी तीन अलग कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल पीआरपी के लिए बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि पीआरपी कीजिए, अब हाउ डू आई डिस्क्राइब इट टू यू। कि देखिए जी, हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर रेस्टोरेशन के लिए तीन चार ही दवाइयाँ हैं जो कि अप्रूव हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब वो दवाई फैक्ट्री में बनती है, वो स्प्रे फैक्ट्री में बनता है, और शैम्पू फैक्ट्री में बनता है, और सारी बातें वो फैक्ट्री मेरी नहीं है। अब अगर मैं किसी को कोई दवाई लिख के दे रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरा इंसेंटिव उसके अंदर हो, जैसे हर कंपनी वाला आता है और बेशुमार गिफ्ट्स और बेशुमार ऑफर्स के साथ आता है कि डॉक्टर साहब आप हमारी दवाई लिखे, आप हमारी दवाई लिखे और हम आपको ये इंसेंटिव देंगे। तो बेसिकली मेरा ये काम है कि मैं जो उसके अंदर इन्ग्रीडियंट शामिल है उसका नाम लिखूँ। जब आप मुझसे स्ट्रेस करते हैं कि जी बताइए नहीं फिर भी आपको पता होगा क्या बेहतर है, तो हाँ थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है, लेकिन उसको अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बना लेना तो जाहिर सी बात है वो गलत है। अगर मैं कोई प्रोडक्ट आपको अपने पास से उठा के दे रहा हूँ तो इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट में मेरा इंसेंटिव है। यही चीज़ मेडिकल स्टोर के ऊपर भी है। अगर मेडिकल स्टोर वाला किसी प्रोडक्ट को वाउच कर रहा है तो वो आपकी बेहतरी के लिए नहीं वाउच कर रहा, वो अपनी बेहतरी के लिए वाउच कर रहा है। अब एक प्रोडक्ट है जो मैंने बनानी है और वो है पीआरपी। अब पीआरपी को जो ज़्यादातर लोग समझ के बैठ गए हैं वो ये समझ के बैठ गए कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कहीं से भी आप उठा लें और उनको फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली डॉक्टर डिपेंडेंट कि वो अपनी पीआरपी कैसे बनाता है और उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें लागू करता है और कितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसने उस चीज़ के लिए की हुई है। सो प्लीज़ जब भी क्वेश्चन किया जाता है तो ये पीआरपी मैं करवा लूँ, जाहिर बात है एक अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, लेकिन उसकी एफिकेसी क्या गोली और स्प्रे के बराबर है जो इसके अलावा ऑफर किया जाता है? शायद नहीं, शायद कुछ केसेस में हाँ।